नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत गायत्री नगर में रहने वाले ट्रांसपोर्ट प्रकाश सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। ये खुलासा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कंट्रोल रूम में किया। गौरतलब है कि 1 जनवरी की रात में बदमाशों ने चाकू और पत्थर से कुचलकर ट्रांसपोर्टर सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के बघवार निवासी प्रकाश सिंह उर्फ पिंटू को मौत के घाट उतार दिया था, जिसका शव MBA कॉलेज के सामने बरामद हुआ था। आइए आपको सीधे ले चलते हैं पुलिस कंट्रोल रूम, जहां खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक जानकारी दे रहे हैं। हीरो बीच में आ जाओ। दिनांक 1 जनवरी की रात को एक घटना हुई थी। एक ब्लाइंड मर्डर था और मैं जो मृतक है उसका नाम प्रकाश और पिंटू है, और उसके पश्चात घटना को ट्रेस करने के लिए एडिशन SP शिव कुमार कुमार के नेतृत्व में टीम बनी थी। उन्होंने काफ़ी होमवर्क किया और साइबर सेल ने भी काफ़ी रोल प्ले किया। फाइनली आज पूरी टीम ने अपने प्रयास से घटना को ट्रेस किया है। घटना मूलतः जो अभी तक की विवेचना में पूछताछ के दौरान आई है वो आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मृतक है प्रकाश और पिंटू। ये 1 जनवरी को एक अपनी पार्टी से लौट रहे थे, उस दौरान चिराए पर इनकी मुलाकात उन दो लड़कों से हुई, गौरव तिवारी और नीलेश, जिन्होंने इनके शुरू में परिचय आपस में होने के बाद किसी मुद्दे को लेकर इनका झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा बढ़ता गया, जिस कारण से मारपीट और फाइनली फिर इनके ऊपर चाकू से वार और पत्थर से वार करके इनकी हत्या कर दी गई। शव को रोड से किनारे साइड में भी छुपाने का प्रयास किया गया। शव का चेहरा भी छत पर छत करने का प्रयास किया गया। हमने अभी टोटल 3 आरोपी इस केस में अरेस्ट किए हैं। उन आरोपियों से अभी हम लोगों ने पूछताछ की है और भी उनसे जानकारियां ली जा रही हैं। चौथा साथी उनका भी हम लोग अरेस्ट शीघ्र कर लेंगे, उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। और 2 तारीख को सुबह जब घटना की जानकारी मिली तो मात्र 4-5 दिनों में ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में एडिशन SP और CSP के नेतृत्व में UST थाना और साइबर सेल ने अच्छी भूमिका निभाई है। इसे देखते हुए पूरी टीम को 10,000 का कैश रिवार्ड भी दिया जा रहा है। अभी प्रकरण की विवेचना प्रारंभ है, इसमें आगे जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो भी और साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार हम लोग विवेचना में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक की विवेचना में आए साक्ष्यों के अनुसार रात को दोनों अलग अलग ग्रुप में पार्टी होना, पार्टी के पश्चात उनका मिलना और तात्कालिक रूप से हुआ वाद विवाद, इसकी वजह अभी तक की उसमें प्रकाश में आया है। और भी इन्वेस्टिगेशन में साइबर सेल भी अपना काम कर रहा है, और भी तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। कुछ और अगर इसमें विषय निकलता है तो उसको भी हम लोग गंभीरता से हमारी टीम पूरा देखेगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।